हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको गाउन की कटिंग बताया था, इस वीडियो में मैं गाउन की स्टिचिंग बताऊंगी। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू। ये देखिए, ये हमने गाउन के ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्टिच कर रहे हैं। इसमें आपको बुकरम डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लाइनिंग वाला है तो लाइनिंग नीचे रखें, उसके ऊपर से उल्टा पार्ट रखें और जैसे जैसे कटिंग है उस हिसाब से आप चला दें। ये देखिए, ये मैंने चला दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे नेक के इधर से कट करके हटा दें। ये देखिए, इसका कपड़ा और कट करके हम हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कट करके हटा दिया है इसे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ऊपर से काट दें दोनों में से। अब हम बीच से हल्का हल्का कट लगाएंगे ताकि हमारा गला आराम से ऊपर से खुल जाए। ठीक है, हल्का हल्का ताकि आपका सिलाई ना कटे। ये देखिए, अब उल्टा करके उसे लाइनिंग पे, मेन कपड़े पे नहीं, लाइनिंग पे एक सिलाई लगा देना है पूरे में। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे, बैक पार्ट को। ये देखिए, ये हमारा हो गया है। अब हम एक सिलाई इस पे लगा देंगे ताकि हमें जोड़ने समय इजी रहे। ये देखिए, ये हमने कट दिया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके हटा देंगे। ठीक है, अब बैक पार्ट भी हम इसी तरह से कर लेंगे। ये जो अंडर आर्म होल में जो भी कपड़ा है उसे बराबर से काट दें। हम बैक पार्ट लेंगे पीछे का। पीछे के पार्ट में हम 2 इंच तक बीच से कट कर देंगे बटन के लिए। जैसे जैसे कट लगा है वैसे वैसे ही उसे हम चला देंगे। पूरे में जहाँ तक कट है तो वैसे ही पूरे में हम चला देंगे। ये देखिए, हमने पूरे में ऐसे ही चला दिया है। फिर इसी तरह से उसको कट करके जो एक्स्ट्रा लाइनिंग का कपड़ा है उसे और पलट करके एक सिलाई चला देना है लाइनिंग पे ही।
अब हम दोनों कंधों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो अम्ब्रेला है नीचे का फ्रॉक वो उसमें अटैच कर देंगे लाइनिंग के लाइनिंग ले करके दोनों को। ये देखिए ये हमने अटैच कर दिया है लाइनिंग पकड़ के ही अटैच कर देना है इसमें। हमने बैक कंधा भी जोड़ दिया है। अब बच गया क्या है आर्म होल। आर्म होल को भी हम 1.5 इंच की पट्टी काट करके और उसमें जोड़ देंगे। पहले हम नीचे का लाइनिंग जो है उसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए हम नीचे का लाइनिंग फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड के। और जो मेन कपड़ा है उसमें उसको हमें फोल्ड नहीं करना है, उसमें हमें पिको कराना है। बस लाइनिंग को ही फोल्ड करना है। ये देखिए मैंने पहला भी कर लिया है, दूसरा कर रही हूँ दूसरी तरफ का। थोड़ा सा दिक्कत होती है इसे, अम्ब्रेला है इसे फोल्ड करने में, तो आप आराम आराम से इसे कर सकते हैं। ये देखिए 1.5 इंच का पट्टी हमने कट कर दिया है। अब इसे हम जोड़ देंगे आर्म होल में। ये हमने आर्म होल के लिए पट्टी कट किया है। को कट करके जोड़ दें। इसी तरह से हम ये जोड़ लेंगे। अब इसमें हम 1.5 इंच का पट्टी कट किए हैं। 1.5 इंच का पट्टी कट करके और आर्म होल जहाँ है वहाँ पे अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमें ऐसे ही करना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम हटा देंगे। सब में हल्का हल्का कट कर देंगे ताकि इजी वे में ये हो जाए। और पट्टी को पलट के फिर उस पर से एक सिलाई चला देंगे। चाहे तो आप हाथ से भी उसको कर सकते हैं और फिर तो मशीन चला दें। ठीक है, हमने दोनों तरफ से ये कर लिया है। ये देखिए ये हम पहला साइड को अटैच कर रहे हैं कि पार्ट को ज्वाइंट करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक दोनों साइड वाले। अब ये देखिए ये हम पहला साइड से अटैच कर रहे हैं, अटैच कर देंगे इस उस साइड को भी इसी तरह से। पूरे ऊपर से लेके नीचे तक हमें अटैच कर देना है।
ये देखिए हो गया है, ये देखिए हमने अटैच कर दिया है पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। कर लें आप सीधा करने के बाद देखिए ये हमारा अटैच हो चुका है। अब हमें इसके जो फ्लावर है, ये फ्लावर का जो रिबन होगा वो रिबन हम बना रहे हैं। तो ये देखिए दो रिबन बनाना है इसमें हमें, ये हमने बना दिया एक। इसको कुछ नहीं करना है, त्रिकोण जैसे फ्रॉक में बेल्ट लगा रहता है ना उसी तरह से आप करके और पलट ले। तिरछा चला के फिर कोना मिला के सीधा चला ले पूरा तक। ये पूरा फ्लावर का वीडियो हम किसी और दिन अपलोड करेंगे, आप मेरे चैनल पे इसे देख सकते हैं। ये गाउन में ये लगाने के बाद गाउन और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसको लगाना मशीन से नहीं होता, इसे हाथ से ही हम लगाते हैं। और ऊपर से सो बटन कोई भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए अब हमें इसे चला लिया और हम इसे उल्टा कर देंगे। अब हमें जो फ्लावर है मेन उसको बनाना है, उसके लिए हमें ये कपड़ा, इतना चौड़ा कपड़ा हमें लेना है, जितना चौड़ा आप चौड़ाई ले सकें आप उस हिसाब से आप ले लें। और इसमें हमें अब बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतना ही इंच का हमें बुकरम लेना है। ये देखिए मैंने ले लिया है। और दोनों कपड़ों को जमा दे उसके ऊपर से, बुकरम के ऊपर से कपड़ा नहीं डालना है। दोनों कपड़ों को एक साइड रखे, बुकरम ऊपर से रखे और चारों कोनों से इसे चला देना है। सीधा उल्टा पहले देख लें कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, कपड़ा बराबर है या नहीं है सब देख लें। और चारों कोना पकड़ के ऐसे ही बुकरम को नीचे रखें, कपड़ा ऊपर रहेगा, दोनों ही लेयर कपड़ा ऊपर रहेगा। ये दो लेयर कपड़ा है तो दोनों ही लेयर कपड़ा ऊपर रहेगा, बुकरम नीचे रहेगा। और फिर पूरे चारों कोना पूरे में एक इंच आधा आधा इंच का लेकर के और पूरे में आप चला दे। उसके बाद पूरे में कट कर, जैसे हमने गले पे नेक पे जो कट किया है उसी तरह से पूरे में कट कर दें ताकि हमें कोना निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए हमने पूरा चारों कोने पे चला लिया है चारों तरफ से और हल्का हल्का हमें कट कर देना है। और कट करने के बाद इसे हमें पलट देना है। और पलटना कैसे है ये हम आपको बता रहे हैं। इसको बीच से हल्का सा एक लेयर कपड़े में, दोनों में नहीं एक लेयर कपड़े में हल्का सा कट देना है। उसके बाद एक या डेढ़ इंच का कट हम पूरे लंबा लगा देंगे ताकि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह से अब उसको हम पूरे को निकाल लेंगे अंदर से, बुकरम को अंदर कर लेंगे और उसको पलट लेंगे। मैं पलट के आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने पलट लिया है, ये जो कटा है उसे सिल दे हल्का हल्का हाथ से ही, आप इसकी सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमने पलट लिया है, अब इस तरह से सुई से आप इसे ऐसे कर लें और नीचे से ये दोनों बेल्ट को ऐसे रख दें। मैं किसी और दिन आपके लिए ये फ्लावर का पूरा वीडियो, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दी हूँ इसको, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।